मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया के सारे श्रृंगार तुम्हें देखकर खुद को संवारते होंगे। सूरज की तुमसे कुछ खास नहीं बनती, पर ये चांद सितारे तुम्हारी आरती उतारते होंगे कि उनकी खुशबू तुम जैसी नहीं है। इसीलिए शायद कितने फूलों की कलियां खिलने से पहले मुरझा जाती होंगी। तुम्हारी मीठी आवाज सुनकर कोयल और मोरनी भी शर्मा जाती होंगी। शायद इसीलिए अब जंगल में हिरनी नहीं देखने मिलती। क्योंकि उन्हें जलन होती होगी तुम्हारी कामुक चाल पर। सुनो, कुछ देर मेरे सामने बैठ सकती हो क्या? मुझे कुछ लिखना है तुम्हारे जमाल पर। कि कोई जवाब नहीं है तुम्हारी सादगी और सुंदरता के मेल का। ये मन मेरा कैदी बन बैठा है तुम्हारी आंखों की जेल का। जाने कितने दीवाने तुम्हारा बनने की दौड़ में शामिल होंगे। जाने कौन विजेता होगा तुम्हें पाने के खेल का। कि मैं जानता हूं कि हासिल कुछ नहीं होगा, फिर भी पीछे नहीं हट पा रहा। जाने कैसा असर किया है तुमने रोहित पागल पाल पर। सुनो, कुछ देर मेरे सामने बैठ जाओ ना, मुझे कुछ लिखना है तुम्हारे जमाल पर। कि बाकी लड़कियों में नहीं है ऐसा क्या है तुम में जो मुझे तुम्हारी ओर खींचने लग जाता है? क्यों तुम्हें देखते ही दिल का ट्यूबवेल मोहब्बत की जमीन को सींचने लग जाता है? मुझे शक है कोई तो शक्ति है तुम्हारे साथ जो इतना ख्याल रखती है। वरना मुझे बताओ, क्यों तुम्हें आता देख मेरा मुंह खुला रह जाता है और क्यों तुम्हारे जाते ही यह पागल आंखें मीचने लग जाता है? कि तुम लड़की नहीं हो, अप्सरा हो। भगवान का जवाब आया है मेरे हर सवाल पर। बस अब तुम जा सकती हो, मुझे और कुछ नहीं लिखना तुम्हारे जवाब। अगर मैंने तुम्हें ज्यादा परेशान किया हो तो माफ करना, वरना मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं कुछ लिखूं तुम्हारे जवाब पर। राधे राधे।